दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 2024 में आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे करोगे। पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको पीसी पर दिखाने वाला हूं, तो चलो डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं किस तरीके से आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर सर्च करना है passportindia.gov.in। हमने सर्च कर लिया और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे, अगर आप पहली बार अप्लाई करते हो पासपोर्ट तो इस तरीके से कुछ आपको शो करेगा। तो यहां पर एक ऑप्शन आता है, अगर आप चेक करो तो यहां पर एक ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो सिंपली हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम आपको प्रोसीजर सारा दिखाते हैं किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। अगर आप पहली बार पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो ये प्रोसीजर को आपको फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये चीजें जैसे अभी ओपन हो रही है, आप देख सकते हो कि यहां पर सारी चीजें ओपन हो गई। तो यहां पर जो सबसे पहला डिटेल आप देख सकते हो कि यहां पर आपको जो फीड आउट करना है, ये यहां पर पासपोर्ट ऑफिस ही आपको रहने देना है। और सेकेंड वन जो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर भरना है, आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना नेम यहां पर डालना है, आपका सर नेम टाइटल जैसे मेरा सानी है वो डालना है, फिर आपको अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर फिल करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद यहां पर आपसे एक पूछा जाता है ऑप्शन, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्या आप जो अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हो ये ऊपर, यही आपका यूजर आईडी में लॉगिन आईडी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए लॉगिन आईडी लगेगा। तो यहां पर वो लॉगिन आईडी आपको यूज करना होगा, उसके बाद पासवर्ड यूज करना होगा, कंफर्म पासवर्ड करना होगा, हिंट क्वेश्चन जो रहेगा वो चीज आपको यहां पर डालना होगा कि बाद में अगर पासवर्ड फॉरगेट करना हो तो ये तरीके का आप यूज कर पाओ। उसके बाद आंसर यहां पर आपको देना होगा उस हिंट क्वेश्चन का, उसके बाद यहां से आपको सिंपली कैप्चा कोड को फिल करना है और देन आपको रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां से आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और उसके बाद यहां से आपको मैं यहां पर जल्दी फिल कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं क्या करना है। तो यहाँ पर हमने सारे डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया रजिस्टर के ऊपर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ से नॉट नाउ, मैं सेव नहीं करता हूँ पासवर्ड को, और उसके बाद कुछ इस तरीके से भी ऑप्शन शो करेगा ये देखो। तो आपको ये चीज़ देख लेना हमेशा। और यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन हो चुका, और यहाँ पर यह थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। सबसे पहले आपको अकाउंट एक्टिवेट करना हो, जो कि यहाँ पर बोल रहा है क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड योर ईमेल आईडी, द लिंक विल बी एक्टिवली ओनली टिल 29/10/2024। ये 29 तक हमारी लिंक वहाँ पर वैलिड रहेगी। तो आपने जो ईमेल आईडी डाला था उसके ऊपर एक लिंक गया होगा, सेम उसी लिंक ऊपर आप को क्लिक करके आपको अपनी आईडी को जो है यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट हो जाने के बाद आपकी आईडी, तो उसके बाद आपको होम पेज पे आना है, और होम पेज पर आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ से एग्जिस्टिंग यूजर का। सॉरी हम आपको दिखाते हैं यहाँ से, देखो एक मिनट यहाँ पर देखो ये अपना एग्जिस्टिंग यूजर का हो गया। यहाँ पर ऑप्शन देखो है ये वाला एग्जिस्टिंग यूजर, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है लॉगिन करने के लिए, क्योंकि लॉगिन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी उसके बाद ही पासपोर्ट अप्लाई कर पाओगे। तो हम इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम अपनी आईडी को फिर से यहाँ पर फिलअप करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर मैंने मेरी खुद की आईडी है तो मैं उसे डालता हूँ, और एक मिनट ये देखो हमारी एक आईडी आ चुकी है जो कि मैंने रजिस्टर करी है बहुत पहले। तो यहाँ से मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ, और आपको अपना आईडी यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, पासवर्ड फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पर मैं डाल के इसको नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है पासपोर्ट, न्यू पासपोर्ट आपको अप्लाई करना है। और न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए देखो हम एप्लीकेंट होम पेज में यहाँ पर हैं, और यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ, इसका मतलब होता है कि जो आपने पासपोर्ट इस आईडी से अप्लाई करा होगा इसके अंदर आपको शो करेगा। लेकिन अगर आपको फ्रेश अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको सेकेंड वाला ऑप्शन जो दे रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो आपको सिंपली इसी ऑप्शन के क्लिक कर लेना है। तो हम यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखो कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सिंपली आपको नीचे वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, तो नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म। तो हम यहां से पासपोर्ट अप्लाई करना है तो हम फॉर्म के ऊपर फॉर्म को फिल पूरा कर लेते हैं। तो यहां से हमने क्लिक हियर टू फिल फॉर्म के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, और यहां से हम पासपोर्ट को अब अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको फ्रेश पासपोर्ट आपका है तो फ्रेश पासपोर्ट में आप अप्लाई करो, री इशू करें तो री इशू में आप क्लिक कर दो। तो हम फ्रेश करेंगे तो फ्रेश में हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारा नॉर्मल कैटेगरी का पासपोर्ट रहेगा तो यहां क्लिक कर देंगे, 36 पेजेस का चाहिए तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम यहां से नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया 36 पेजेस, अब हमने यहाँ से नेक्स्ट कर दी। अब ये देखो नेक्स्ट करने के बाद जो है मैं आपको पूरा दिखाने वाला, तो देखते रहो। हम यहाँ से अपने नाम से एक फिलअप करते हैं, और मेरे नाम से मैं करता हूँ यहाँ से अभिषेक हो गया, और अभिषेक शाहनी।
और यहाँ से मेल, अगर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल डालना। हैव यू एवर नोन बाय द अदर नेम, क्या आपको दूसरे नाम से बुलाया जाता है, तो नो इशू आप करना। अगर आपका दूसरा कोई नाम और है जिस वो बुलाने वाला है तो उसे आप येस कर सकते हो और अपना नाम डाल सकते हो। हैव यू एंटर एवर चेंज योर नेम, क्या आपने पहले कभी नाम चेंज करा, तो करा है तो येस, अदरवाइज नो करना। यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो कि मैं यहाँ से कब कौन सा लिया था, आई थिंक 99 लिया था और एक एक हमने यहाँ पर डाल दिया था, ठीक है। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जो है इंडिया के बाहर में बर्थ हुआ था, तो अगर हुआ था तो येस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक, ये वाले आप ध्यान देना, नो कर देना। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, टाउन, सिटी, सूरत रहेगा अपना, स्टेट क्या है हमारा गुजरात है, तो हम इससे गुजरात ले लेते हैं। आपका जो भी होगा स्टेट आप उसे चूज कर लेना, और डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पर सूरत ले लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ सूरत सिटी आएगा। और यहाँ पर मार्शल स्टेटस, अगर मैरिड हो तो मैरिड, सिंगल हो तो आप सिंगल ले लेना। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, अगर बाय बर्थ अगर आप इंडियन सिटीजन तो आप बर्थ सर्टिफिकेट पर डालना। वोटर, अगर पैन कार्ड है अवेलेबल तो पैन नंबर डाल देना। वोटर अगर आईडी है तो उसका भी डाल सकते हो। ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एकदम कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहां डालना है, आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, तो भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर देते हैं। इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, इन केस ऑफ माइनर स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो यस करो, अदरवाइज नो करो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप क्या दे रहे हो, 7th pass, 10th pass या फिर 8th and 9th standard, तो हम 7th एंड लेस कर देते हैं। आप 10th एंड पास कर देते हो या ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट आप कर सकते हो। नॉर्मली हम 10th पास एंड एबो करते हैं क्योंकि 10वीं का मार्कशीट दिखाना होता है। अगर आप ECR में भरते हो तो ECR में कर रहे हो तो आपको 10वीं का मार्कशीट दिखाना होता है। अगर इसे आप नो कर देते हो तो आपको मार्कशीट दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम फिलहाल येस कर देते हैं। और विजिबल, यहाँ पर आपके बॉडी पर कोई मार्क हो तो डाल सकते हो, आधार कार्ड अगर है आपके पास तो उसे डाल सकते हो, और इसे येस करना है और सेव माई डिटेल करके आपको यहाँ से नेक्स्ट सिंपली कर देना है। अब यहाँ से देखो हम इसी पेज को, हम यहाँ से फिर से ये कौन से, हम सेम नेक्स्ट पेज पे आ गए। पासपोर्ट टाइप, ये देखो हमने सारे डिटेल्स के अंदर भरा हुआ है। अब इसे यस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि मुझसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर आधार नंबर फिल करो, तो मुझे अब बिना फिल करे मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे अपना आधार नंबर लेना होगा। और मैं यहाँ से आधार नंबर अपना ले लेता हूँ और आधार नंबर अपना एक फिल कर देता हूँ, तो हम नेक्स्ट पेज पर मिलते हैं आपसे। तो हमने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद आधार नंबर देखो हमने वहाँ पर डाला नहीं था। नेक्स्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ गए और यहाँ पर फादर नेम डालना है, और मैं फादर नेम यहाँ से डाल देता हूँ और सर नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ से मदर नेम डाल देते हैं, ठीक है। XYZ हम डाल देते हैं भाई, XYZ, ठीक है। आप यहाँ से सही अपने लीगल गार्जियन का नाम डाल सकते हो अगर कोई अवेलेबल है तो, और उनका सरनेम है। उसका सेव माई डिटेल करके आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो सेव माई डिटेल पर हमने क्लिक कर दिया है और वेट करते हैं। और ये देखो हमारा क्लिक हो चुका है और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। और हमने थर्ड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, अगर आप देख सकते हो तो। और यहाँ पर देखो इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, भाई अगर आउट ऑफ इंडिया तो येस करो, अदरवाइज आपको नो ही करना है। तो मैं फिल करके टोटल दिखा देता हूँ ना, मैं ऐसे मार्क करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं फेल ही करने वाला हूँ ये सब, ठीक है। और यहां पर अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, देखो ये चीज आप सही तरीके से डालना अगर आपको अपना हाउस नंबर जो डालना है, ठीक है। हम यहां पर ऐसे डाल देता हूं, और अपना विलेज, टाउन, सिटी, जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर सही तरीके से डालो। तो हम यहां से लिख देते हैं हमने यहां पर एक एड्रेस लिखा कैलाश नगर, स्ट्रीट कौन सा है हमारा गुजरात, हम यहां पर ले लेते हैं, सॉरी एक मिनट, गुजरात। और डिस्ट्रिक्ट हमारी कौन सी है, सूरत, सूरत सिटी। और एक मिनट, और यहाँ से पुलिस स्टेशन हमारा पूछ रहा है तो हम यहाँ से ले लेते हैं, हमारा आएगा पंडिशरा सूरत में। पिन कोड क्या है, पिन कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं, ओ ये हमारा पिन कोड हो गया। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हम यहाँ से एक नंबर 7984169046, ये हमारा क्लाइंट वाला नंबर है, आपको पता है जो मैंने नंबर RPO अपॉइंटमेंट के लिए डाला ये वही सेम नंबर है मेरा। ईमेल आईडी, जो हम ईमेल आईडी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, एक मिनट, ये हमने ईमेल आईडी एक यूज करा। और उसके बाद इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो अवेलेबल है तो येस करो। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो येस कर दो, अगर सेम नहीं है तो नो करना है आपको। आपको अपना परमानेंट एड्रेस दूसरा वाला जो है उसे डालना पड़ेगा, ठीक है। सेव माई डिटेल मैं यहाँ से करता हूँ और यहाँ से डो नॉट ए पोर्टल ओके करता हूँ, और यहाँ से हम नेक्स्ट बटन के ऊपर यहाँ से सिंपली क्लिक कर देते हैं और हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। पूरा आपको बस यही प्रोसीजर को फॉलो करना है और पासपोर्ट को आप घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। और हमने यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर दिया, बस ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है हमारा पेज, तो हम इसका जो है वेट करेंगे।
प्लीज कंप्लीट द बाय क्लिकिंग द सबमिट फॉर बटन। ओके, हमने यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया है और ये थोड़ा सा भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट पेज में हम आ चुके हैं। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डालना है, घर में किसी भी मेंबर का आप डाल सकते हो। हमने यहाँ पर डाल दिया और हम सेम वही अपना नंबर डाल देते हैं और उसके बाद टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हो। सेव माई डिटेल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल आपको पूछ रहा है, हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, ये पूछ रहा है कि इससे पहले क्या आपने कभी भी पासपोर्ट को अप्लाई करा था, अगर पहले अप्लाई करा था और इशू हुआ था कि नहीं, ये सारी डिटेल इसी में रहता है। तो क्या आपने पहले भी पासपोर्ट अप्लाई करा था, हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो नो, डिटेल ऑफ यूजीएस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट डिटेल्स अवेलेबल है पहले का तो आप वो डालो, अगर नहीं है तो भाई डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। ये वाला ऑप्शन देखो जो मैं बता रहा था, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड, तो ये वाला देखो भाई, ये देखो हैव, इसको आप हमेशा नो करना है। ये पूछ रहा है हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो भाई हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आईसी इज नॉर्मल इश्यूज फॉर तिब्बतन अदर स्टेटलेस पीपल रेजिडेंसिंग इन इंडिया, जो तिब्बतन साइड से लोग आए इंडिया में रहते हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो इसे यस कर सकते, अदरवाइज नो करो। और यहाँ हैव यू एवर अप्लाइड का, आपने पहले अप्लाई करा था पासपोर्ट और आपको पासपोर्ट इश्यू नहीं हुआ तो उसे यस करो, फाइल नंबर डालना है और डेट ऑफ अप्लाई डालना है, नेम ऑफ पासपोर्ट ऑफिस आपको डालना है, ठीक है। अगर आपने पहले अप्लाई करा था लेकिन इशू नहीं हुआ, और अगर आपने नहीं कभी अप्लाई करा फ्रेश है तो आप नो हमेशा करो, सेव माई डिटेल करो, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो लेट्स सी, ये हमारा सेव हो चुका है, अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने अदर डिटेल पे। अब ये डिटेल आपको सेम सही से भरना होता है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ द आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अगर आपके ऊपर कभी कोई केस हुआ है तो आप इन सारी डिटेल को सही तरीके से पढ़ के येस नो का टिक करना, अगर आपके ऊपर कभी केस नहीं हुआ तो आप सबको जो यहाँ से नो नो करते चले जाओ, नो 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 नो, यहाँ पर कोई भी भाई आप हमेशा, अगर आपके ऊपर कोई केस एफ आई आर नहीं है तो नो करो, अगर आपके ऊपर केस एफ आई आर या छोटी मोटी कोई भी चीज़ें हैं तो आप उसे येस जरूर करना, आप इस चीज को छुपाना नहीं, सेव माई डिटेल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल आपको सही तरीके से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ जहाँ जहाँ डिटेल प्रोवाइड करी गई है उसी के हिसाब से आपका पासपोर्ट प्रिंट होगा, सेम वैसे प्रिंट होने वाला है। ये देखो यहाँ पर जब प्रिंट होगा तो पासपोर्ट नंबर आपका लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो प्रिंट होगा यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर रहेगा, ये यहाँ पर आपका हमेशा ये तो रहेगा ही, और टाइप जो है ये दिया है पासपोर्ट का, और ये मेरा सरनेम लिखा है सहनी, और यहाँ पर मेरा नेम है अभिषेक, और यहां पर मेरी नेशनलिटी दिया इंडियन, और मेरा ये प्लेस ऑफ बर्थ दिया है, और जारी करने का स्थान ये सूरत ही होगा, और ये आपका जब पासपोर्ट प्रिंट होकर आएगा तब वो डिटेल लिखा रहेगा, और एक्सपायरी डेट भी उसी टाइम पर लिखी रहेगी, और ये मेरा डेट ऑफ बर्थ यहां पर देख रखा है, और मैंने ये मेरा लिंक दिया है, और यहां पर मेरा एक सिग्नेचर अवेलेबल होगा, ये तब अवेलेबल होगा जब मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा, उसी टाइम पर ये सारी डिटेल हमारी कलेक्ट कर ली जाएगी। यहां पर मेरे फादर का नाम आ जाएगा, यहां पर माता का नाम आपके आएगा, यहां पर आपकी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी पत्नी का नाम आएगा, और आपका पता यहां पर आएगा, एड्रेस आने वाला है, ये पूरा एड्रेस आपका रहेगा, और पुराने पासपोर्ट का नंबर अगर जारी होने की तिथि अगर सब कुछ है तो ये यहाँ पर डिटेल आने वाला है, फाइल नंबर आने वाली है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको मिलने वाला है, तो इतना याद रखो कि आप यहाँ पर पहले चेक कर लो सब कुछ सही है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से पीआरईवी प्रूव के ऊपर क्लिक करके आप बैक जाके वो डिटेल को सही करने के बाद यहाँ फिर से चेक कर लो, अगर सब सही हो जाता है तो उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है, जो कि मैंने दिखा दिया आपको। अब यहाँ से दे रहा है प्लेस ऑफ बर्थ में आप क्या क्या यूज़ करने, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप क्या यूज़ करने वाला हो करने वाले हो तो वह आप यहाँ से फिल कर देना, और यहाँ से दे रहा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या यूज़ करने वाले हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करने वाले हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ से डिजी लॉकर का भी ग्रांट है, डिजी लॉकर एक्सेस दिया तो इसको भी आप ग्रांट कर सकते हो, बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा सकते हो ऑनलाइन भी। आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, डेट ऑफ इशू हमारा ये 22/10 आज का डेट आपका इशू का हो गया, प्लेस क्या है हमारा ये सूरत, हम सूरत से अप्लाई करें तो सूरत हमारा हो गया। अब इसे हम सेव माई डिटेल करेंगे, और अगर आपको अपने फॉर्म को देखना है, अगर आपको अपना आप चाहते हो जो फॉर्म आपने फिल करा है तो ये वाला आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, आप प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो जो आपने फिल करा है, और उसके बाद आपको सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। मैं सबमिट फॉर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये आपका देयर आर योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिट हो गया है, ये मेरा एआरएन नंबर मिल गया है, ये पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करने को दे रहा है, प्रिंट
नोटिफिकेशन रिसीव अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना है तो ठीक है। तो हम यहाँ से भी क्या करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर हमें सिंपली क्लिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर, उसके बाद आपको वेट करना है। अब यहाँ से पेमेंट करने का प्रोसीजर आ गया तो आपको सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और इसके ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर देखो नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर मेरा नाम आ चुका है अभिषेक शाहनी, यहां पर मेरा ARN नंबर है और ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मैं यहां से सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। मैं यहां पर पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं, सेम आपको यही फॉलो करना है। और यहां से मेरा PSK सूरत हो गया, जो भी आपका PSK रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद यहां से मैं ये कैप्चा कोड फिल कर देता हूं XQBLB। उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो है यहाँ पर पेमेंट करने का एक ऑप्शन आ चुका है ये पूरा, और ये हमारा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ दे दिया है। यहाँ पर मेरा पेमेंट कितना करना है 1500 रुपये, क्योंकि मैं नॉर्मल में अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रेश पासपोर्ट हमारा। और ये हमारा ARN नंबर हो गया और यहाँ पर हमारा डेट मिला 20/11 का। और यहाँ से पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर सिंपली क्लिक करना, और यहाँ से अगर आप चाहो तो पर्टिकुलर अपने हिसाब से डेट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो हम डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करके चेक करते हैं। कैलेंडर को जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो 20 नवंबर का डेट दे रहा है और अभी चल रहा है अक्टूबर, तो इट मीन्स अभी आज तारीख है 22 अक्टूबर और डेट मिल रहा है मुझे 28 दिन के बाद, मींस 20 नवंबर को मिल रहा है। तो एक महीने के आसपास में ये मुझे अपॉइंटमेंट डेट मिल रहा है, तो या तो मैं 20 को ले सकता हूँ, 21 को, 22 को, 25 को, 26 को। जो ग्रीन वाले स्लॉट दिख रहे हैं वो सारे के सारे स्लॉट खाली हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। आप बुक कर सकते हो, 20 का डेट ले सकते हो, 21 का, 22 का। जैसे कि हमने 22 का डेट यहाँ पर चूज करा, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करा और यहाँ से दे रहा है ओके प्रोसीडिंग हमने क्लिक करा और यहाँ से हम आगे पेमेंट करने के लिए। तो अगर आपको UPI के थ्रू पेमेंट करना है तो ये देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है, UPI से कर दो। अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो यहाँ से कर दो, और किसी और डेबिट कार्ड से करना तो ये कर दो, क्रेडिट कार्ड से करना तो यहाँ पर कर दो, लेकिन बैंक चार्जेस जो है 17 रुपये का रहेगा, ये देखो। और या अदर बैंक नेट बैंकिंग से करना है तो ये वाला ऑप्शन है, SBI नेट बैंकिंग से करना है तो ये वाला ऑप्शन है, आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन UPI का अगर आप यूज करोगे तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको UPI वाला ऑप्शन से चूज करके दिखाता हूँ। हमने UPI वाला ऑप्शन चूज कर लिया और यहाँ पर हमारी सारी डिटेल आ चुकी है। उसके बाद हम नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखो QR कोड का एक ऑप्शन है, यहाँ पर QR कोड का एक VPA UPI ID के थ्रू है, तो आप हमेशा QR कोड का यूज करो क्योंकि वो थोड़ा सा सूटेबल रहता है भाई, आराम से आप कर लोगे। QR कोड का आप यूज हमने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको जो है अपना ये फोन ले लेना है। फोन लेने के बाद आपको जो QR कोड यहाँ पर दिख रहा है आपको साइड में, वो QR कोड को आपको स्कैन करना है, और स्कैन करके पेमेंट जैसे करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है पेमेंट आपका हो जाएगा, ये कंप्लीट जो अभी ये चल रहा है ये तुरंत आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से देखो कैंसिल ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है पेमेंट करने के बाद। और ये आपका जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर है, आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस यहां दिखाएगा और ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। अब यहां से आपको ये जैसे अभी यहां पर टाइम चल रहा है, इतने टाइम के अंदर जो है करना होता है, 2 मिनट 28 सेकंड का टाइम बचा है, इतने टाइम के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट करना है। तो ये रहा पूरा पासपोर्ट का प्रोसीजर, और जहां पर मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह ये सारा आपको फॉर्म वगैरह प्रिंट आउट करके लेके जाना है, अपॉइंटमेंट ये बुक होने के बाद अपॉइंटमेंट भी प्रिंट करके लेके जाना है, दैट्स इट। ये तरीका है, आप 2024 में इस तरीके का यूज करके अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताओ। अगर रीइश्यू के ऊपर चाहिए, एक्सपायरी के ऊपर चाहिए, या जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।